स्वागत है आप सभी का डीएनएन पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। आप देख रहे हैं 4 बजे 4 बड़ी खबर। नमस्कार, खबर 5 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। नमस्कार, 36 में आपका स्वागत है। नमस्कार, शादी की उम्र पर सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान। बोले, लड़कियां 15 साल में हो सकती हैं प्रजनन के लायक, फिर शादी की उम्र 21 साल करने का क्या फायदा। भरत यादव बने मुरैना के नए कलेक्टर, रघुवंश सिंह भदौरिया होंगे एसपी। जहरीली शराब मामले में सीएम ने की थी कलेक्टर एसपी को हटाने की कार्रवाई, वहीं 3 हाई लेवल अफसर आज ही करेंगे जांच। कड़ी सुरक्षा के बीच 94,000 कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची भोपाल। अगले 24 घंटे में 8 जिलों में पहुंचेगी वैक्सीन। सबसे पहले हरदा भेजी गई है वैक्सीन की खेप। जबलपुर में सटोरियों पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई, 50 लाख का मकान जमींदोज। सट्टा और ड्रग के 34 मामले थे दर्ज। और 15 से 21 जनवरी तक मंत्रियों से करेंगे बजट को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र रवाना होने से पहले मीडिया से बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा आमजनों के साथ बदली सरकार की प्राथमिकताएं। नमस्कार, खबर 5 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कपड़ा व्यापारी दुकान पर इन लोगों ने बम फेंका था और अब पुलिस के हाथ ये 3 आरोपी लग गए हैं। वहीं आरोपियों से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको जबलपुर से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कपड़ा व्यापारी की दुकान पर इन लोगों ने बम फेंका था, वहीं आरोपियों से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। अपनी गैंग की दहशत फैलाने के लिए इन लोगों ने बम फेंका था। वहीं आरोपी अनमोल बैन ने बनाई है 30-20 नाम की गैंग। आपको बता दें, इस मामले में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए थे और क्षेत्रीय नेताओं और विधायकों को समझाने के बाद बाजार खोले गए थे और अब पुलिस को जो है एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे जबलपुर हमारे संवाददाता के पास। दिनेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जी अनन्य जी, जिस प्रकार से कपड़ा व्यापारी की दुकान के बाहर जो 2 दिन पहले बम कांड हुआ था, आरोपियों ने उनके शटर बम मारा था, पर जो बम था वो शटर पे लगा था। हालांकि कोई जनहानि नहीं थी, उसी को लेकर कपड़ा व्यापारी जो है वो हड़ताल पर चले गए थे और वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री के समझाने के बाद जो है उन्होंने हड़ताल वापस ली थी। वही जो पुलिस है, पुलिस सरगर्मी से जो है इसकी तलाश कर रही थी आरोपियों की और 36 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है इसमें सावन मान्या सहित 2 नाबालिग आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युवक हैं, 17, 18 और 20 साल के युवक हैं, ये अपने 20-30 के नाम पे गैंग बना रखे थे और गैंग के माध्यम से ये कहीं भी प्रकार की जो दहशत फैलाने का काम है या अन्य भी मारपीट का काम जो गैंग के माध्यम से किया करते थे। वही पुलिस ने अभी इनको जो गिरफ्तार, 2 आरोपी जो है अनमोल बैन और सीबू खान फरार बताए जा रहे हैं, जहां पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। वहीं इनके पास से बम बनाने का जो सामान है वो भी बरामद हुआ है। अनन्या जी, जी दिनेश जी, अगर मकसद की बात यहां पर की जाए तो किस मकसद से इन लोगों ने बम जो है व्यापारियों की दुकानों फेंके थे।
कुल मिला के ये कि जब इनसे पुलिस ने अभी पुलिस का ये कहना था कि इनसे जब कड़ी पूछताछ की गई तो ये जो है 20-30 गैंग बनाकर ही लोगों में दहशत फैलाने का काम किया करते थे। ये गोरखपुर के ही रहने वाले जो लोग हैं, व्यापारियों के यहाँ जो बम फेंकने का जो मकसद था कि उनमें दहशत फैलाना, दहशत फैलाने के बाद ये कुछ वसूली का भी मुद्दा हो सकता है, पर अभी पुलिस ने ज्यादा ये कहने से इनका जो मकसद था वो नहीं बताया है। पर सबसे बड़ी बात है कि जो ये आरोपी है सब युवा हैं और अपनी गैंग के मामले से क्षेत्र में और अपने वर्चस्व बनाने के जो कहा जाए कि दबदबा बनाने के लिए ये जो बम बनाने का काम, बम फेंकने का काम और लोगों को अड़ी देने का काम भी किया करते थे। जी जी धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम जानकारी के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर व्यापारियों की दुकान पर बम फेंकने का मामला सामने आया था और 3 बदमाश पुलिस के हाथ लगे हैं जिन्होंने बम बनाए थे और फेंके थे। वहीं इन लोगों के पास से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर लड़कियों की शादी को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बेतुका बयान सामने आया है। वर्मा ने कहा कि लड़कियां 15 साल की उम्र में शादी के लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि 18 साल उम्र में शादी होती है तो 18 साल ही में ही होनी चाहिए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, जब 18 साल है तो जो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक हो गया भैया शिवराज, कौन सा बड़ा डॉक्टर हो गया तो 21 साल करने वाला। भाई डॉक्टरों की रिपोर्ट है ये बच्चियों के बारे में कि 15 साल में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 साल परिपक्व हो गई बच्ची ये माना जाता है वैज्ञानिकों से, उसे रहना चाहिए। 21 साल का लॉजिक आप बता दो शिवराज की तरफ से, आप भी बता दो चलो क्या लॉजिक है 21 साल की, क्यों होना चाहिए शादी की उम्र। वहीं मध्य प्रदेश में 9 महीने में जहरीली शराब पीने से 82 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से मुरैना में 20 लोगों की मौत के बाद अब सरकार अवैध शराब को लेकर बड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा एसडीओपी को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा इस बैठक में शामिल हुए। वहीं इस बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। एससीएस और 2 एडीजी स्तर के अधिकारी रहेंगे जांच में और वहीं कमेटी को आज से ही मुरैना में जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। तो खबर जबलपुर से मिल रही है, जहां पर निगम प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश के आशियाने पर अपना बुलडोजर चला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से बता रहे हैं आपको, जहां पर निगम प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कुख्यात बदमाश के आशियाने पर चला बुलडोजर, बदमाश बाबू सलाम पर दर्ज है 40 से ज्यादा मामले। वहीं हनुमानताल थाना क्षेत्र के मोहनिया में ये पूरी कार्रवाई हुई है, जहां पर जबलपुर का कुख्यात बदमाश बाबू सलाम पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे और आज प्रशासन ने इसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से, जहां पर निगम प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है और कुख्यात बदमाश के आशियाने पर बुलडोजर चला है। बदमाश बाबू सलाम पर दर्ज हैं 40 से ज्यादा मुकदमे। हनुमानताल थाना क्षेत्र के मोहनिया में यह कार्रवाई हुई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता दिनेश चौधरी जी का। दिनेश जी, क्या कुछ अपडेट है वहां से, कब तक ये कार्रवाई जो है शुरू हुई थी और अब कहां तक पहुंची है? जिस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन है, माफिया पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम एक तरफ से माफियाओं के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान में, आज
अवैध कब्जे निर्माण हटाने में जो आज इनकी अनुभाग जो टीम है आधारताल हनुमानताल के अंतर्गत जो आजाद नगर मोहनीय है वहां पर ये कार्रवाई की गई है। और यहां जो कार्रवाई के दौरान जिस प्रकार से ये अबू खान नक्शा और माफिया है नशा माफिया काफी दिनों से सट्टा किंग रहा है। इसके द्वारा जो बनाया गया जो बाबू सलाम जो इसके द्वारा बनाया गया कम से कम 2000 वर्ग स्क्वायर फीट की जमीन पे जो अवैध निर्माण किया था सरकारी जमीन थी जहां 75 लाख रुपए की जमीन की कीमत जो है वो आंकी गई है। यही मोहनिया के बेतलम स्थित खसरा नंबर 189 में निर्मित था ये मकान। इसको लेकर आज पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन की टीम द्वारा जो सुबह से ही कार्रवाई पूरे मौके पर पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे जहां पर इनका कुछ विरोध भी किया गया। पर इसके चलते विरोध के चलते जब प्रशासन ने कड़ी एफआईआर बताई और इनका मकान जो खाली कराकर पूरा बिल्डोजर से मकान को जमींदोज किया है। जिस प्रकार से जो पूरे शहर भर में चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत जो पूरे शहर में जो अवैध निर्माण किए हैं या नशा कारोबार में लिप्त है इन लोगों के चिन्हित कर जो समय समय पर कार्रवाई करते चल रही है उसके चलते आज भी जो ये कार्रवाई है वो की गई है मोनिया ग्राम में। जी धन्यवाद दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम जानकारी के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं जहां पर नगर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और एक कुख्यात बदमाश के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया है। साथ ही इस आरोपी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। रुक करते हैं अगली खबर का जहां पर मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि घटना जुड़े बड़े अफसरों पर कार्रवाई की गई है किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस की जांच समिति को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसके अलावा कर भी कह सकते हैं। दुखती घटना हुई है वो और उसमें कल कार्रवाई आबकारी अधिकारी पर टीआई पर थानेदार पर 5 लोगों पर कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। अभी मुरैना को लेकर एक बड़ी बैठक जिसमें सीएस एसीएस वगैरह सभी रहने वाले बुलाइए फिर आपको बताते हैं। अलग टीम तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर चलेंगे खबरों की ओर और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जहां पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर रहा और ऐसे में राजधानी भोपाल में 11 बजे वैक्सीन पहुंच चुकी है इसकी जानकारी सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी ने दी है और ये एमपी में वैक्सीन के 5 लाख डोज का एक हिस्सा है। हालांकि भोपाल डिवीजन सेंटर में 24 घंटे में वैक्सीन जिलों में पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है सीएम ने आदेश दे दिए थे। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन तैयार की है जो कि आज सभी जिलों में पहुंचा दी गई है। एमपी में जिंदगी का टीका पहुंच चुका है। इस दौरान किस तरह की तैयारी टीकाकरण को लेकर की गई है और किस तरह वैक्सीन को सुरक्षित रखा जाएगा इस पूरे मामले में संवाददाता से हमने खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट को। डॉक्टर संतोष शुक्ला जी हैं जो कि पूरे वैक्सीनेशन को जो है लीड कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो है किस तरीके से होगी और किस क्वांटिटी में वैक्सीन आया है। हमारे प्रदेश में सौगात के रूप में नववर्ष के उपहार के रूप में 5,06,000 कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट पूना से आज ही हमारे पास उपलब्ध हुई है। 94,000 भोपाल संभाग को प्राप्त हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं सभी वैक्सीन वैन के माध्यम से जिलों में पहुँचा दी जाएगी और 16 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लॉन्च हो रहेगा। मध्य प्रदेश में 2 सिटी को लिया गया है राष्ट्रीय स्तर के लिए। पहला है भोपाल जेपी हॉस्पिटल और दूसरा एमवाई हॉस्पिटल इंदौर। तो फिर किस तरीके से दी जाएगी, किन चरणों में लोगों को वैक्सीन दी जाएगी? पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर, आप सबने मालूम है आपको कि हमारा हेल्थ केयर जो वर्कर्स थे चाहे वो डॉक्टर्स हों या हमारे फ्रंटलाइन, उन सब ने अपने को झोंक दिया था समर्पित सेवा भाव से, तो उनका हक पहले बनता है। भारत शासन ने निर्णय लिया कि उनको सुरक्षा कवच सबसे पहले दिया जाए और 4 लाख हमारे ऐसे हितग्राही हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर को चाहे गवर्नमेंट के, दोनों का ये चयन हुआ है और उनको सिलसिलेवार टीकाकरण होगा और उसके बाद 28 दिन के बाद दोबारा एक टीका लगेगा जिसको सेकेंड डोज बोलते हैं।
पहला जो टीका लगता है वो आंशिक सुरक्षा देता है, दूसरा टीका पूर्ण सुरक्षा देता है। सर डोजेज जो हैं वो दो डोज लगने वाले हैं, तो पहला डोज अभी दिया जाएगा, नेक्स्ट डोज 28 दिन बाद, तो ये अभी आज ये जो डोजेज हैं वो किस किन जिलों में जा रहे हैं? सभी प्रदेश के सभी जिलों में जा रहे हैं और सभी ब्लॉक स्तर तक पहुंचेंगे। इनका रखरखाव किस तरीके से किया जाएगा? इनके रखरखाव के लिए शीर्ष MI कोल्ड चेन है। कोल्ड चेन यानी होता है निर्माता से हितग्राही तक 2 से 8 डिग्री तापमान में परिवहन करना, तो ये हमारी चाक चौबंद व्यवस्था है और इसको हम लोग 1200 फोकल पॉइंट इस प्रकार के बने हुए हैं जहाँ पे कि ILR और डीप फ्रीजर रखा है, उसमें जाके वैक्सीन ILR में रख दी जाती है और आवश्यकता अनुसार जहाँ भी क्षेत्र में जो ज़रूरत होती है उतनी वैक्सीन हम लोग पहुँचा देते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जो कि पूरी वैक्सीनेशन को लीड कर रहे हैं और आपने सुना कि किस तरीके से आज जो है वैक्सीन हर जिले में जा रहा है और अब मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट ओवेस खान के साथ मैं अनन्या चतुर्वेदी, DNN न्यूज़ भोपाल। अगर अब इंतजार खत्म हो चुका है, कोरोना का वैक्सीन प्रदेश में पहुंच चुका है जिसके 94,000 वैक्सीन के डोज जो है भोपाल पहुंचे हैं। वहीं वैक्सीन के स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा देखिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग यहाँ पर मौजूद है। सर आज वैक्सीन आ चुका है, कैसे इसका रोड मैप बनाया गया है कि लोग कैसे? हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, पहला कंसाइनमेंट भोपाल आ गया, दूसरा इंदौर पहुँचेगा, तीसरा जबलपुर और चौथा ग्वालियर पहुँचेगा और उसके माध्यम से रिडिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। किस कैटेगरी में लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा? पहले हेल्थ वर्कर को, दूसरा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को, तीसरा 50 साल की उम्र से ज़्यादा वालों को और जो जिनको कोमॉर्बिडिटी है। आज ही वैक्सीन यहाँ पर आ चुका है फाइनली, अब सब भ्रम की जितनी भी स्थिति खत्म हो चुकी है, पूरी खत्म हो गई, अब सब कुछ अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने बताया कि आज वैक्सीन जो है वो आ चुका है और यहाँ से ये वैक्सीन जो है अलग अलग जिलों में पहुँच रहा है और 3 कैटेगरीज में लोगों को ये लगाया जाएगा, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स और साथ ही जो 50 साल से उम्र ज़्यादा के लोगों की उम्र है उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा, यानी कि वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट ओवेस खान के साथ मैं अनन्या चतुर्वेदी, DNN न्यूज़ भोपाल। MP में कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि पहले ही ये हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, वहीं इसके लिए 4.5 लाख लोगों का चयन किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवार जिम्मेदारी दी है और जिनसे इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बातचीत हमने की है, देखिए इस खास रिपोर्ट को। सर डॉक्टर अमृतलाल मरावी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पूरा वैक्सीनेशन जो है उसको देख रहे हैं और सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीन जो है आज आ चुका है, किस तरीके से लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा? हाँ, किस तरीके से ये वैक्सीन लोगों को दिया जाएगा? ये क्या कहते हैं, यहाँ से फील्ड तक जाएगा, जिलों तक जाएगा और जिलों के पश्चात इनको सबको वैक्सीन लगेगा, है ना। सर न्यूयॉर्क की अगर बात किया तो वहाँ पर वैक्सीन फिका गए थे क्योंकि वहाँ पर रोड मैप सही नहीं था, तो किस न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो वहाँ पर वैक्सीन जो है वेस्ट हो गए थे, लोगों को मिल नहीं पाए थे। तो इंडिया में फिलहाल मध्य प्रदेश का क्या क्राइटेरिया, क्या रोड मैप बनाया गया है कि लोगों को वैक्सीन? क्या कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, लिस्टेड लोग हैं उनको दिया जाएगा। अलग अलग फेज हैं इसके, जैसे अभी फर्स्ट फेज में हमको क्या कहते हैं 94,000 इस संभाग के लिए मिला है और बीच में आते जाएगा, ये तो सेकंड फेज थर्ड फेज जब तक क्या कहते हैं लोगों को टीके नहीं लग जाएंगे, शासन की नीति के अनुसार जितने लोगों को टीके लगाने हैं उतना जब तक टीके नहीं लग जाएंगे तब तक आते रहेंगे। किन कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया गया है? अभी फर्स्ट फेज में फ्रंट लाइन वर्कर जो हेल्थ के और ये लोग हैं जो मरीजों को और इनको टैकल करते हैं उनको, और 50+ के लोग जिनको ऑलरेडी कुछ गंभीर बीमारियां उनको प्राथमिकता देना है, फिर ये कंटिन्यू आती जाएगी, जो बचे हुए हैं लोग हैं उनको देते जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जो कि पूरा जो है इसका रोड मैप बता चुके हैं कि हर किसी को वैक्सीन जो है किस तरीके से दिया जाएगा, इसका रोड मैप तैयार है और मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल तैयार है वैक्सीन देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट ओवेस खान के साथ मैं अनन्या चतुर्वेदी, DNN न्यूज़ भोपाल। तो वही रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पर मंत्री तुलसी सिलावट उज्जैन पहुंचे जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश के विकास के लिए कामना की। दर्शन के बाद बाहर निकले मंत्री सिलावट से जब खान नदी में गंदगी को लेकर सवाल पूछा गया तो वो टालते नजर आए और सिलावट ने कहा कि मामला गंभीर है, इस पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि गंदे नालों का पानी खान नदी में मिलने के चलते नदी गंदी हो रही है और खान नदी का पानी शिप्रा नदी में पहुंचता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मकर संक्रांति का त्यौहार करीब है, हजारों श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करेंगे, अगर खान नदी की सफाई नहीं होती है तो श्रद्धालु को गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले महाकाल भगवान के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बाबा से याचना की है कि मध्य प्रदेश के अजय सिंह मुख्यमंत्री श्री राज्य के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास हो, प्रगति हो, ये आपका आशीष महाकाल का बना रहे मध्य प्रदेश की सरकार पर, मध्य प्रदेश की जनता पर।
मध्य प्रदेश का विकास होता रहे, मध्य प्रगति होती रहे, मध्य प्रदेश की उन्नति होती रहे। जो मध्य प्रदेश का अन्नदाता है उसका विकास हो, युवाओं का विकास हो, हमारी मातृशक्ति बेटी का हो, ये विकास की याचना की। कल मकर संक्रांति का नाम है, शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, उसके बाद भी खान नदी का पानी निरंतर मिलता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब गंभीर मामला विचार करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं, और ऐसे ही इसी क्रम में साक्षी महाराज ने अपने जन्मदिन के मौके पर भी दो बड़े बयान दे डाले हैं। साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी अखिलेश राम भक्त होने का प्रदर्शन करते हैं तो कभी राम विरोधी होने का, तो सही रास्ते पर चल नहीं सकते, लेकिन उन्हें सही रास्ते पर ही चलना चाहिए। वहीं किसान आंदोलन को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि सही बात तो यह है कि किसान खेत में काम कर रहा है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वे कुछ भटके हुए किसान हैं, जो कुछ लोग किसान नहीं हैं वे बहुत बड़े व्यापारी हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उनको जनविरोधी बताया, इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता उनके लिए, लेकिन उनकी स्थिति भी दिग्भ्रमित जैसी स्थिति है। कभी साधु महात्माओं के यहाँ जाते हैं, कभी वो राम भक्त होने का प्रदर्शन करते हैं, कभी राम विरोधी होने का प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता कि रास्ता कौन सा है। आपके चैनल के माध्यम से हम अखिलेश जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि रास्ता तय कर लें, राम के मार्ग पर चलना है कि रावण के मार्ग पर चलना है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें कुछ भटके हुए किसान हैं और कुछ लोग किसान नहीं हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, 500 बीघा के जोता, 1000 बीघा के जोता, उनके पेट में दर्द है, निशाना कहीं है, इरादे कुछ और हैं। ये CA का दर्द है, NRC का दर्द है, 370 का दर्द है, और जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है उसका दर्द है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है, वरना किसान तो खेतों में काम कर रहा है। तो खबर 5 बजे में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।